शांत रहना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। और बेवजह किसी को जवाब देना या बहस करना भी ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी हमारा यही शांत स्वभाव और सहनशीलता को कुछ लोग हमारी कमजोरी समझकर, हमको बेवकूफ़ समझकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारा इस्तेमाल भी करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि हमें उनके इस चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जबकि शांत और सहनशीलता रखने वाला इंसान छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपने काम में और खुद में बिजी रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फालतू किसी से बहस किया जाए या किसी से उलझा जाए और अपना दिमाग और अपना समय किसी पर बर्बाद किया जाए। लेकिन जब हद पार हो जाती है तो ऐसे लोगों को करारा जवाब भी देने का मन होता ही है, लेकिन उनको जवाब ऐसा देना चाहिए कि उनको खुद अपनी गलती का एहसास हो, खुद में उनको शर्म लगे और दोबारा ऐसा वो आपके साथ ना करें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है और हद से बात आगे निकल जाए, तो उस इंसान को सबसे पहले जो आपके साथ ऐसा करता है अपने सामने बैठाइए, उसकी पूरी कारनामे जो उसने आपके साथ किया है उसको बताकर प्रेम से इज्जत से उसको समझाइए। अगर उसके अंदर कुछ इंसानियत होगी तो उसको अपने किए हुए पर ज़रूर शर्मिंदगी महसूस होगी, वरना ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद को ही आपसे ऊपर रखते हैं, चाहे जितना भी गलत क्यों ना हो। अगर वो इंसान आपके समझाने में भी फिर से वही बार बार आपके साथ गलती करता है तो उस इंसान से आप मतलब रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे दूरियां बना लीजिए और अपनी कोई भी कमजोरी या कोई भी बात उससे शेयर मत कीजिए, उससे 10 कदम दूर ही रहिए। कुछ दिनों में उसे खुद सब एहसास हो जाएगा कि आजकल ऐसे लोग बहुत होते हैं, अगर आप सबसे लड़ने में रहे तो आप खुद का नुकसान ही करेंगे। आप सही हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ परेशान थोड़ा कर सकता है, लेकिन अंत में जीत सिर्फ आपकी होगी। और वो इंसान को समय ऐसा जवाब देगा कि दोबारा वो ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक होती है और जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो समय और ऊपर वाला खुद जजमेंट करता है और उसके जजमेंट में अंदर तक लगती है। इसलिए आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और खुद को किसी के लिए डिस्टर्ब कभी मत कीजिए, ऐसे लोग सिर्फ यहीं तक सीमित होते हैं बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूं और अभी मैंने नया YouTube चैनल चालू किया है, तो प्लीज़ आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल अतुल मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं इंसानियत होने के नाते, इसमें भला आपका क्या चला जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।